नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बीडीओ के पद प्रतिनियुक्ति भरे जा रहे थे, उसके बाद अधिशासी अधिकारी की भर्ती भी प्रतिनियुक्ति पे से की जा रही है। पीसीएस परीक्षा के माध्यम से इनकी भर्ती होनी चाहिए थी और मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है इसकी। तो छात्र संगठनों ने जताई नाराजगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, खंड विकास अधिकारी की तरह नगर पालिका अधिशासी अधिकारी। यहाँ पे देखिए नगर पालिका की बात की जा रही है, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के रिक्त पद भी प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे, जबकि इन पदों पर पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए थी। ऐसे में पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर कम हो गए हैं। प्रतियोगी छात्रों ने प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पद भेज कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और आगे इसमें लिखा है, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह व अन्य प्रतियोगी छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बताया गया है कि पीछे 2017 के तहत संबंधित विभाग की ओर से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, ध्यान दीजिएगा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की बात की जा रही है, 10 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था, लेकिन पीछे 2018-19 और इसके साथ साथ पीसीएस 20 में भी इन पदों को शून्य किया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की, अधिशासी अधिकारी के जो पद हैं, बार बार नगर पालिका में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का पद पीसीएस कैडर में आता है और जिला पंचायत अधिकारी जो दूसरा पद होता है इसका लोअर का जो पद होता है वो नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी का होता है, नगर पालिका नहीं होता, वो नगर पंचायत होता है। तो बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती है और आगे यहाँ पर बात, सीएम को पत्र लिखा गया है, बताया गया है कि इस साल 60 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों को नगर पालिका जिला पंचायत अधिशासी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति दी गई है। वहीं 100 अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के लिए साक्षात्कार की तैयारी चल रही है और इनकी लिस्ट बनाई गई है। 198 नगर पालिकाओं में 90 पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हें पीसीएस की 2020 की भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। तो पीसीएस की वैकेंसी 200 पदों की निकाल दी गई, जबकि 336 बीडीओ के पद खाली पड़े हैं, 90 अधिशासी अधिकारी के पद खाली पड़े हैं। तो इस तरह से जब पदों को कम कर दिया जाएगा और इसको प्रतिनियुक्ति से भर दिया जाएगा तो पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। सालों से परिश्रम करते आ रहे हैं पीसीएस के अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जी जान लगाकर जुटे रहते हैं, उनको क्या मिलेगा? उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, उनके लिए तो अन्याय हो रहा है उनके साथ। और आगे बात करते हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के रिक्त पद भी अन्य समूहों के अफसरों से प्रतिनिधि से भरे जा रहे हैं। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के 200 से अधिक पद खाली हैं, 200 से भी अधिक पद खाली हैं और इसके लिए लोअर पीसीएस में विज्ञापन भी निकाला गया है और उसकी अभी लोअर पीसीएस का रिटर्न हो गया है, उसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। तो इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है, उम्मीद करते हैं इस हफ्ते रिजल्ट आ जाए, क्योंकि यूपी SSSC आज से काम करना शुरू कर रहा है। आगे लिखा हुआ है, यह लोअर का पद है और इन पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र नेता कौशल सिंह ने सवाल उठाया कि इन सभी पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र कैसे जारी किया गया। तो ये है पूरी खबर इस मैटर पे। छात्र नाराज हैं कि इस तरह से इन पदों पर भर्ती नहीं होनी चाहिए। जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पर आएंगे उनके मूल विभाग में भी तो वर्कलोड बढ़ेगा, इससे भ्रष्टाचार फैलेगा। दोस्तों, अगली न्यूज है, कोरोना के दूसरे दिन भी 2400 से ज़्यादा मामले मिले हैं, अब स्थिति और भी बुरी होती जा रही है और इसी बीच में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। तो सोचने वाली बात है कि जब पूरे भारत में 800 मरीज थे उसमें लॉकडाउन लागू किया गया था और आज जब भारत में 40,263 मरीज हो चुके हैं, 2400 के आसपास मरीज डेली हो रहे हैं, तो इस समय लॉकडाउन में जगह जगह पे ढील दी जा रही है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन बनाए जा रहे हैं, ऑफिसेस खोली जा रही हैं, कहीं स्थिति और भयावह ना हो जाए। SEE के आवेदन अब 15 मई तक लिए जाएंगे। SEE स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज को बोलते हैं SEE। तो
AKTU ने बढ़ाई आवेदन की तिथि, तो अब 15 मई तक आवेदन इसके लिए जाएंगे। JEE मेंस व नीट जून के आखिरी सप्ताह में संभव है। 5 मई को इसके बारे में डेट डिसाइड की जाएगी। छात्रों को होने वाली संवाद में JEE मेंस और नीट की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। तो 5 मई को इसकी डेट घोषित की जाएगी। वहीं पर जो AKTU ने आवेदन की तिथि बढ़ाई है वो 15 मई तक कर दिया गया है, और इसमें फॉर्म को करेक्ट करने की तिथि 18 मई तक कर दी गई है। 15 मई तक आपको अप्लाई करना है, 18 मई तक करेक्शन करना है। 167,110 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, जबकि 142,855 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया था। शिक्षक विधायक ने पत्र लिखा है कि लॉकडाउन के बाद हो मूल्यांकन। देखिए, लॉकडाउन के बाद अगर मूल्यांकन शुरू होगा तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो काफ़ी लेट हो जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में कॉपियों का मूल्यांकन 5 मई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन में जगह जगह फंसे शिक्षक इसके लिए तैयार नहीं है। शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि मूल्यांकन लॉकडाउन के बाद कराया जाए और परीक्षकों को घर के घर कॉपियां भेजकर मूल्यांकन कराया जाए। ये शिक्षक अलग अलग जगहों पर क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि जब ऐसा आदेश था कि कोई भी शिक्षक अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, लॉकडाउन पीरियड में स्कूल कॉलेज फैक्ट्री ऑफिसेस बंद कर दी गई थी और सैलरी दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और घर से ही काम करेगा, वर्क फ्रॉम होम करेगा, तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।